आज हम देखेंगे कि दूध की मलाई से घी किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ आपको दो मेथड सजेस्ट करूंगी और हम देखेंगे कि किस मेथड से ज्यादा निकल सकता है और वेस्टेज कम से कम होती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि बहुत ही कम टाइम में कम से कम मेहनत में घी आप तैयार कर सकते। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बची हुई चीजों का यूज किस तरीके से किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अनुशास किचन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये एक हफ्ते की मलाई मैंने एक हफ्ते कर ली है। मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि दो तरीके से हम घी निकालेंगे यहाँ पे। तो मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। सबसे पहले देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है मलाई। पहले मेथड में हम मलाई से मक्खन निकालेंगे, उसके बाद हम उसका घी निकालेंगे। तो इस तरीके का टूल आप यूज कर सकते हैं, या तो आप विस्क यूज कर लीजिए या स्पून या फॉक यूज कीजिए। बस आपको करना है कि आपको ये मलाई का जो डब्बा है आपको 2 से 3 घंटे तक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने दीजिए और बहुत ही जल्दी 2 से 3 बार इस तरीके से घुमाएंगे और मक्खन निकल आएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें ताकि ये मक्खन जो है वो वॉश भी हो जाए और ऊपर ऊपर तैरने लगेगा तो ये निकालना इजी हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से मक्खन हमारा निकल के आ गया है। अब इसे हम अलग कर लेंगे और ये जो नीचे पानी बच गया है आपको इसको बिल्कुल फेंकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, ये बटर मिल्क है, तो आप इसको पैनकेक बनाने में, केक बनाने में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका रसगुल्ला बनाना बताऊंगी। जितना भी पानी बच गया है हम उसे अच्छे से अलग कर लेंगे ताकि मक्खन जो है पूरी तरीके से ड्राई रहे। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कुकीज बनाने में, केक्स बनाने में। मैं इसका यूज करके आज घी निकालूंगी। देखिए, बहुत ही अच्छे से मक्खन ड्राई हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में इसका घी निकाल लेते हैं। एक गर्म कढ़ाई में ये मक्खन डाल दीजिए और लगातार मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहिए ताकि मक्खन इसमें चिपक ना पाए। अच्छे से स्क्रैप आउट कर लीजिए ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। देखिए, 4 से 5 मिनट लगेंगे कि मक्खन पूरी तरह से पिघल जाएगा और इसका हल्का हल्का घी भी निकल जाएगा। इस मेथड में घी बहुत ही जल्दी निकल आता है। घी जो नीचे रेसिड्यू बचा है इसे मावा बोलते हैं, इसका भी हम यूज करते हैं। इस घी को 5 से 6 महीने आप रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोर कर सकते हैं और अगर आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं तो 1.5 साल 2 साल इसे कुछ नहीं होता। अच्छा साफ और ड्राई कंटेनर में ही इसे स्टोर करके रखिए। बहुत ही अच्छे से और सावधानी से इसे स्ट्रेन कीजिए तो घी बहुत गर्म है और कोई भी सॉलिड पार्टिकल इसमें ना जा पाए। इस मेथड से घी बनाने से एक तो घी जल्दी भी निकल आता है, साथ में वेस्टेज भी बहुत कम होता है और क्वांटिटी घी की ज्यादा निकलती है। बहुत ही कम खोआ हमारा निकला है और घी भी ज्यादा क्वांटिटी में निकला है। इसे ठंडा कर लीजिए। ढक्कन अभी पूरा मत लगाइए, इस तरीके से रखिए ताकि इसमें कुछ गिर भी ना पाए और खुला भी रहे ताकि ये ठंडा भी हो जाए। और नेक्स्ट मेथड में हम जो मलाई है वो सारा का सारा हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे गर्म करते जाएंगे जब तक घी नहीं निकल आता। इस मेथड में टाइम ज्यादा लगता है और जो रेसिड्यू मतलब जो खोआ है वो भी ज्यादा निकलता है। तो अगर आपको खोए की जरूरत है तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए मलाई, और आपको अगर खोए की जरूरत नहीं है तो आप पहले मेथड से निकालिए। जो खोआ इसमें बच जाता है उसकी भी बहुत ही शानदार आप मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में घी अच्छा निकल आया है हमारा और ये खोआ भी हमारा अलग हो चुका है। इसे भी एक साफ कंटेनर में आप स्टोर करके रख लीजिए 5 से 6 महीने रूम टेम्परेचर में, 1.5 से 2 साल तक रेफ्रिजरेटर में इजीली स्टोर हो जाता है। कि इस तरीके से छन्नी से छान के जो खोआ है उसे हम अलग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस खोए के मैं आपको कोकोनट लड्डू बना के दिखाऊंगी। इस खोए का यूज करते हुए मैंने मिल्क केक भी बनाया है जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही शेयर की है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप उसे देख सकते हैं या आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। इस खोए का यूज करके आप बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। बस एक बार ध्यान रखने वाली है कि मलाई ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वरना खोए में हल्की कड़वाहट आ जाएगी। देखिए, हमारा बहुत ही बढ़िया घी भी और खोआ भी बन के तैयार है, बस इस घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है।
देखिए इतनी सारी चीजें हमने सिर्फ मलाई से बना के तैयार की है, एक वीडियो में बताना मुश्किल था क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।